Hey guys, good morning. Welcome back to Mommy and Flurry Tale. Today is Tuesday और मैं ये vlog start कर रही हूँ afternoon को. After a long long time I'm doing a full day vlog. So today this is going to be a full day vlog and आज मेरा कुछ बहुत ही important काम है जो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ share करूँ. तो हो सकता है कि आपको भी उससे कुछ tips मिले क्योंकि today I'm gonna attempt Mission Impossible. वो क्या है वो मैं कुछ देर बाद लौट के आती हूँ और फिर आप लोगों को बताती हूँ. फिलहाल क्योंकि मेरे पास ये काम है मैं फटाफट जाऊँगी, मैं नहाऊँगी और मैं वापस आऊँगी क्योंकि मैं उसके बाद वो काम पे हाथ लगाना चाहती हूँ. सो यू गाइज स्टे ट्यून्ड टू नो दैट व्हाट इज दैट मिशन इम्पॉसिबल दैट आई एम गोना अटेम्प्ट टुडे. स्टे ट्यून्ड. तो मैं आ गई हूँ वापस नहा धो के एंड द मिशन विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस मॉर्निंग इज अरेंजिंग दीपांजन्स वार्डरोब. ये मैं क्यों बोल रही हूँ मिशन इम्पॉसिबल वो आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा जब आप अपनी आंखों से देखोगे कि वो कौन से हालत में है. सो द थिंग इज कि मैं हमेशा कंप्लेन करती रहती हूँ कि दीपांजन बिल्कुल भी अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज नहीं करता है एंड द प्रॉब्लम इज कि उसने मुझे मना किया है उसके वार्डरोब में हाथ देने से. तो मैं इस चक्कर में हाथ दे भी नहीं रही थी बट कुछ दिन पहले मैं कुछ काम के लिए शायद उसी ने मुझे बोला था कि कुछ लेके आओ वहाँ से. मैंने वार्डरोब खोला और मुझे देख के लगा कि इसमें उसको कुछ भी मिलता कैसे है, कैसे पता चलता है कि उसके पास कितने कपड़े हैं, उसको कौन सा पहनना है क्योंकि एज ऑफ नाउ आई गेस दिस इज़ नॉट फंक्शनल एट ऑल. तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं उसको बताऊंगी नहीं क्योंकि अगर मैं उसको बताऊंगी कि मैं ये करने वाली हूँ देन ये मिशन इम्पॉसिबल बिल्कुल ही मिशन इम्पॉसिबल बन जाएगा. इसलिए मैंने उससे कुछ भी नहीं बताया है एंड आई हैव शॉप्ड फ्यू वार्डरोब ऑर्गेनाइजर फ्रॉम अमेजोन. तो वो मैं आपको दिखाती रहूँगी और सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी कि अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो. तो चलिए सबसे पहले आपको वार्डरोब की हालत दिखाते हैं. आर यू गाइस रेडी? तो ये है फिलहाल सिचुएशन. जो मैं बोल रही थी दिस इज नॉट फंक्शनल एट ऑल. ऐसे नहीं है कि कपड़े बहुत गंदे हैं या अच्छे से रखा नहीं है. सारे कपड़े फोल्ड करके स्टैक करके रखा हुआ है बट इसमें से इंसान को मुझे नहीं लगता कि इसके ये वाले जो पाइल है इसके पीछे क्या है वो कभी भी देखने का भी मन करेगा क्योंकि जब भी आपको वो देखना है आपको सारा कपड़े नीचे करके फिर वो देखना पड़ेगा. द सेम सिचुएशन इज हियर एज वेल. तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा कपड़े उसको पता भी नहीं है कि उसके वार्डरोब में है जो शायद उसने सालों से पहना भी नहीं है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं उसको ऑर्गेनाइज करूँ क्योंकि मुझे ना ये देख के थोड़ा सा अंदर वो खिचकिच चालू हो गया है कि मुझे करना है ये और इसके बारे में उसको कुछ अता पता नहीं है. टुडेज प्रोजेक्ट इज दिस कि मैं स्टार्ट करूँगी इसलिए मैंने जल्दी जल्दी नहा लिया है. इट्स जस्ट 11:45 राइट नाउ और मैं लगी पड़ूंगी इसको ठीक करने में. तो इसको ऑर्गेनाइज करने से पहले जो चीज़ मुझे सबसे पहले करना है दैट इज़ डी क्लटरिंग. तो कुछ टी शर्ट्स मुझे पता है कि वो बिल्कुल ही पहनता नहीं है वो सब मैं एक अलग से, मैं कुछ भी फेंकूंगी नहीं बट मैं अलग एक जगह पे रख दूंगी ताकि वो बाद में थोड़ा सा उसको सॉर्ट आउट कर ले कि उसमें से कौन कौन सा उसको चाहिए या नहीं चाहिए. और उसके बाद मैं सारे कपड़ों को अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट अलग अलग सेगमेंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी जैसे कि ट्राउजर्स, डेनिम्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स, घर पे पहनने के कपड़े. तो सबको अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करके ऑर्गेनाइज करूंगी उसके बाद उसको वार्डरोब में एक एक करके रखना चालू करूंगी. सो दैट इज़ व्हाट इज़ माय प्लान टुडे. बट सच बताओ तो मैं बहुत ही जोश के साथ शुरू की थी बट अभी वार्डरोब खोल के मुझे लग रहा है शायद मैंने कुछ ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले लिया है बट ये करना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स सी मैं कितना कर पाती हूँ आज तक. मेरा मन तो है कि वो ऑफिस से आने से पहले ये पूरा हो जाए ताकि वार्डरोब खोल के मुझे उसका रिएक्शन पता चले कि वो खुश है या वो ना खुश है क्योंकि उसको पसंद नहीं है कि मैं उसके कपड़ों को हाथ लगाऊँ क्योंकि उसके हिसाब से मैं कुछ ज़्यादा ही ऑर्गेनाइज कर देती हूँ उसके बाद उसको कुछ मिलता नहीं है. बट ये कोई बात नहीं है कि ऐसे रहेंगे इंसान, नहीं हो सकता. तो मैं करूंगी आज इसको ऑर्गेनाइज. आप लोग मेरे साथ रहिए, देखते रहिए. मैं जब भी बोर हो जाऊंगी आप लोगों से बात करती रहूंगी बीच बीच में आके और आप लोगों से सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि मैं कैसे कर रही हूँ क्योंकि वार्डरोब का स्पेस काफ़ी कम है. मैं पूरा उसको ब्लेम भी नहीं करती हूँ, उसके पास कपड़े जितने हैं उसके हिसाब से वार्डरोब थोड़ा सा छोटा है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रोजेक्ट गाइस. लेट्स सी मैं कहाँ तक पहुँच पाती हूँ दिन खत्म होने से पहले.
तो ये रैक मैंने खाली कर लिया है, दीज आर ऑलरेडी सॉर्टेड। ये सारी चीज मुझे फिर से वापस से रखना है अच्छे से, जो भी फेंकना था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। वन रैक इज डन, पहले मैं इन सारी चीजों को अरेंज करूंगी, देन आई विल टच दिस वन। जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स था आई हैव पुट ऑल ऑफ देम इनसाइड दिस, एंड दिस जिपर बैग्स आई गॉट फ्रॉम अमेजोन। तीन का सेट था, दो सेम साइज का और एक थोड़ा सा छोटा। नाउ इट लुक्स प्रिटी कॉम्पैक्ट, और पता है कि इस बैग के अंदर क्या क्या है, तो जब भी कुछ चाहिए ये निकालने से ही हो जाएगा। जनरली व्हेन यू स्टैक सो मेनी थिंग्स इन वन रैक, एक निकालने के टाइम ऊपर का गिर जाता है तो पूरा फिर से मैस हो जाता है, वो नहीं होगा अब। सो दिस इज डन, दिस इज द स्मॉलेस्ट बैग ऑफ ऑल थ्री, और उसके अंदर मैं दीपांजन के सारे इंडियन क्लोथ्स डाल दूंगी, जो भी उसके पास कुर्ता पजामा है। दीज आर ऑल वॉश्ड, बट अच्छे से रखा नहीं हुआ था तो इसमें ऐसे क्रीज आ गए हैं। बॉटम सेक्शन इज डन, और यहाँ पे जितने भी जगह है मेरे पास वहाँ पे मैं उसके इंडियन क्लोथ्स यानी कि कुर्ते पजामे वो सब वो बैग में डाल के रखूंगी, और ऊपर थोड़ा सा और जगह है तो देखूंगी कि और क्या क्या रखना है वहाँ पे। अभी मैं हाथ लगाऊंगी यहाँ पे, पहले तो सारी चीजें बाहर करूंगी, फिर उसको डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं उसके साथ। तो ये जो भी है ये था उसके जीन्स ट्राउजर्स शॉर्ट्स जो भी वो बाहर पहनता है वो कपड़े, और यहाँ पे अभी भी जो है वो सारे घर पे पहनने के कपड़े हैं, और जीन्स इतना हैवी है ना उसका, माय गॉड। तो पहले इसको कर लेती हूँ क्योंकि सब साथ में निकाल लूँगी तो उतना जगह भी नहीं है रखने के लिए यहाँ पे, ये बाद में करती हूँ। दिस इज ऑल्सो डन, ये उसके डार्क कलर के जीन्स, दीज आर ऑल हीज लाइट कलर जीन्स, वो कुछ विंटर वेयर्स है, एंड ये है बाकी के चिनोज एंड सिक्स पॉकेट्स। तो अभी जो भी घर पे पहनने के कपड़े हैं वो मैं ऑर्गेनाइज करूंगी। पहले आई हैव परचेस्ड द सेट ऑफ टू इन ब्लैक कलर, ये अमेजोन से ही लिया है। जो घर पे पहनने के कपड़े हैं वो हम सबसे ज्यादा रफली हैंडल करते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले वो सारे कपड़ों को इस बॉक्स में डालूंगी। मीटिंग यू गाइज आफ्टर 20-25 मिनट्स, उसके अंदर मेरा ये काम हो गया। आई हैव ऑलरेडी स्टैक्ड ऑल हीज डेली वेयर क्लोथ्स इन दिस बॉक्स, और इसमें ये काफ़ी अच्छे से आ गया है। मैंने इस साइड में रखा है उसके ट्राउजर्स, यहाँ पे टी शर्ट्स, और वो भी जो फुल ट्राउजर्स है वो मैंने नीचे रखा है, जो शॉर्ट्स है वो ऊपर, क्योंकि अभी गर्मी के टाइम शॉर्ट्स ही ज़्यादा पहनता है। अभी भी काफ़ी जगह है, दीज आर काफ़ी स्पेशियस, जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। ऐसे और एक बॉक्स मेरे पास है तो मैं पहले ये बाकी का अरेंज करूँ, फिर देखती हूँ उसमें क्या रखूँगी। दिस इज़ वन मोर जिपर बैग, जिसमें मैंने जो भी यहाँ से विंटर वेयर्स निकल रहे हैं वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, जिसको मैं डाल के एकदम कबर्ड के ऊपर वाले सेक्शन में रख दूँगी। तो मैं अभी कुछ देर का ब्रेक लूँगी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, और जाके मैं खाना खाऊँगी, लंच फिनिश करके फिर वापस आके बाकी का काम करूँगी। वन मोर ऑर्गेनाइजर बॉक्स इज पैक्ड, इसमें मैंने उसके शॉर्ट्स, चिनोज या ट्रैवल करने के टाइम जो ट्राउजर्स वो यूज़ करता है वो है, और इस बॉक्स को मैं डाल रही हूँ एकदम बॉटम रैक पे। अभी मैं हाथ लगाऊंगी यहाँ पे, दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, इसमें उसके सारे टी शर्ट्स शर्ट्स और ना जाने क्या क्या निकलेगा यहाँ से, तो उसको अरेंज करना सबसे बड़ा काम है तो वो मैं अभी करूँगी। और फिलहाल जो भी चीज़ हैंगर्स पे है उसमें मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, सिंस आई गेस दीज आर द क्लोथ्स विच आर यूज्ड बट नॉट वॉश्ड, तो ये वो खुद सॉर्ट आउट कर लेगा, इसमें मैं कुछ नहीं करूँगी, इसको हैंगर्स में ही रख दूँगी अभी बाहर कहीं, और उसको छोड़ के बाकी का सारा सामान। हाय भगवान, मैं ऑलरेडी थक गई हूँ, अब मैं देखती हूँ। तो ये हो गया है खाली, ये कुछ जैकेट्स है जिसको हैंग करके रखना है, तो ये यहीं पे रहेगा। एंड दिस इज़ द पाइल अगेन, इसमें से भी कुछ शॉर्ट्स और निकले हैं,
ये दो कुर्ताज निकला है, फिर और भी बहुत कुछ निकलेगा, कुछ नए कपड़े ये रिसेंटली लिया है, ये सब था। तो अभी इसको अरेंज करूँगी, पहले शॉर्ट्स को उसके जगह पे डाल दूँ, फिर इसको सॉर्ट करूँगी। लुक्स लाइक अ ह्यूज टास्क। और मुझे मॉरल सपोर्ट देने आई है कौन? क्यों आई है? क्यों हाई फाइव मॉम, क्यों हाई फाइव? ये तो माई जॉब इज 90% डन। ये जगह पूरा खाली हो गया क्योंकि मैं यहाँ से सारे कपड़ों को सॉर्ट करके ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर लिया है। मैं इतनी जल्दी जल्दी में कर रही थी कि मैं उतना डिटेल में नहीं दिखाई। मैंने बीच में थोड़ा लंबा रेस्ट भी लिया ड्यू टू माई बैक पेन। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सिट इन द सेम पोजिशन फॉर लॉन्ग टाइम, तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। तो उसके साथ मैं और एक चीज़ दिखा दूँ। दिस इज़ वन मोर सेट ऑफ बॉक्स, ऑर्गेनाइजर बॉक्स जो मैंने लिया है। इसका मैंने लिया है सेट ऑफ 3। यू विल गेट द ऑप्शन टू गेट सेट ऑफ 5, सेट ऑफ 7, सेट ऑफ 2। तो ये बहुत अच्छा है अगर आप कोई प्रेस किए हुए कपड़ों को एज इट इज़ स्टैक करके रखना चाहते हो ताकि उसका प्रेसिंग ख़राब ना हो। तो दिस बॉक्स हैज़ गॉट ऑल हीज गुड टी शर्ट्स जो वो बाहर पहनता है। ऐसे मैंने स्टैक किया है लाइट कलर टी शर्ट्स को, और यहाँ पे मैंने स्टैक किया है डार्क कलर टी शर्ट्स को। सेम बॉक्सेस और भी दो है, मैं दिखाती हूँ उसमें मैंने क्या रखा है। ये तीनों यहाँ पे अच्छे से फिट हो गया है। तो इसमें मैंने रखा है उसके सारे पोलो टी शर्ट्स जो वो ऑफिस पहन के जाता है, एंड ये बॉक्स में मैं रखूँगी उसके सारे शर्ट्स। दीज ओनली हैव 3 शर्ट्स नाउ क्योंकि मोस्ट ऑफ द शर्ट्स आर गॉन फॉर प्रेसिंग, और कुछ वो हैंगर्स में हैंग भी किया हुआ था। इसमें जाएगा सारे फॉर्मल एंड कैजुअल शर्ट्स। मैं जब ले रही थी मुझे लग रहा था मुझे 3 बॉक्सेस, 3 बैग, इतना कुछ शायद नहीं चाहिए होगा, बट एक्चुअली सारे के सारे चीज़ काम पे आ गए। और अभी मुझे लग रहा है कि ऐसे कपड़े स्टैक करने के बॉक्स और 2 एक्स्ट्रा होता तो और अच्छा होता। तो अभी जो बाकी है वो है उसके ट्राउजर्स और उसके जीन्स को सेट करके रखना। मैं और एक चीज़ दिखाती हूँ। तो ट्राउजर्स रखने के लिए आई हैव गॉट दीज हैंगर्स, इसमें टोटल 1, 2, 3, 4, तो ये 5 का सेट है, और एक एक हैंगर्स में आप टोटल 5 ट्राउजर्स या 5 साड़ीज या जो भी आप हैंग करना चाहते हो, लेगिंग्स। तो बहुत ही हेवी साड़ी या जीन्स इसमें नहीं हैंग कर सकते हो क्योंकि इतना भी कुछ खास क्वालिटी है नहीं, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा ही है। बट इसमें ट्राउजर्स, लेगिंग्स या टी शर्ट्स या कुर्ताज हैंग करने के लिए आई थिंक दीज आर ग्रेट। तो ये मेरे पास है 5, और इसमें मैं उसके सारे ट्राउजर्स हैंग करके रखूँगी। वार्डरोब के अंदर लाइट थोड़ा कम है, बट मैं फिर भी दिखा देती हूँ। मैंने ट्राउजर्स को रख दिया है, एंड ये काफ़ी काम की चीज़ है क्योंकि हर एक चीज़ अच्छे से दिख भी रहा है कि इसमें कौन से ट्राउजर्स है। 8 ट्राउजर्स फिट हो गया है ओनली इतना सा जगह पर, तो ये काफ़ी काम का चीज़ है ये हैंगर्स। और अभी भी मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, उसमें मैं देखूंगी बाद में कुछ रखना है तो। यहाँ पे जीन्स भी अच्छे से फिट हो गया है, द लाइट कलर वंस एंड द डार्कर वंस। और ये है उसके इंडियन क्लोथिंग के बैग, इसके ऊपर मैंने रख दिया है टी शर्ट के बैग। मैं इतना भी कर पाऊँगी बिल्कुल भी नहीं सोची थी जब मैंने शुरू किया था, बट नाउ आई एम हैप्पी सिंस थिंग्स आर कमिंग टुगेदर। और मुझे अच्छा लग रहा है अभी जो ये ऐसे ही दिखना चाहिए वार्डरोब, नीट एंड क्लीन, जो भी चाहिए वो मिल जाना चाहिए और पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। सो देखते हैं दीपांजन का क्या रिएक्शन होता है। अभी मेरे पास थोड़ा बहुत और 2-3 चीज़ें, जैसे कि ये जो भी हैंगर्स में था इसको कुछ तो धोने देना है, वो मैं दे दूँगी, और बाकी का मैं वैसे की वैसे ही रख दूँगी, वो दीपांजन आने के बाद ही ऑर्गेनाइज कर पाऊँगी। एंड मीट माई बेबी फ्लरी। ओ फ्लरी, क्यों क्या आ, क्यों क्यों मामा मामा शेक हैंड, फ्लरी शेक हैंड। होय बोल माश। अच्छा फ्लरी बॉल नहीं है शो। ए गुड गर्ल, कम मामा, कम फ्लरी, कम मामा, बॉल नहीं है शो। ए जो बॉल नहीं है जो, क्यों क्यूर बॉल को বলতে নিব
अब मैं फाइनली बोल सकती हूँ कि एवरीथिंग इज डन. जो भी कपड़े मैंने बाहर रखे थे विच आई गेस कि वो डिस्कार्ड करेगा, वो भी मैं दो अलग अलग बैग में डाल के एक अलग जगह पे रख दी है. जो भी शर्ट धोना था वो मैंने मशीन में डाल दिया है. बाकी का और कुछ धोना है तो कल वो मुझे दे देगा, मैं कर दूँगी. तो बस मुझे देख के आपको समझ में आ रहा है कि मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ. अभी टाइम हो रहा है 7:40. नाउ आई एम कम्प्लीटली डन. मैं अभी और उस रूम में नहीं जा रही हूँ. और दीपांजन आने के बाद उसका क्या रिएक्शन होता है आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी. और अभी जैसे मैं बोल रही थी कि मुझे एक कप चाय की ज़रूरत है, बट मैं चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि फ्रिज में कोकोनट वाटर था. अभी हम लोग बिग बास्केट से टेंडर कोकोनट ला के ही रखते हैं और हर सुबह दीपांजन उसको काट के एक ग्लास में डाल के फ्रिज में रखी जाता है. ये मैं दोपहर को निकाल के रखी थी, पीना भूल गई, अभी मैं यही पीती हूँ. और इसके पहले मैं एक बार आके फ्लरी क्यारा के लिए किबल्स पानी में सोख करके रख के गई थी, तो वो सोख होने में भी थोड़ा सा टाइम है. अभी भी 20 मिनट है उनको खाना खिलाने में, तो तब तक मैं थोड़ा कोकोनट वाटर पीती हूँ और मैं थोड़ा सा टीवी देखती हूँ बैठ के. इट्स 10:40 इन द नाइट और मेरा बैटरी आज ऑलरेडी डाउन है. मुझे बहुत टायर्ड फील हो रहा है और जिस दिन ऐसे होता है उसी दिन दीपांजन सबसे ज़्यादा लेट घर आता है. टुडे ऑल्सो ही सेड दैट ही हैज़ अ कॉल टिल 10 o'clock. अब कॉल फिक्स है 10 o'clock तक, वो 10 o'clock के बाद भी चल सकता है. तो वो कॉल ख़त्म करके ऑफिस से निकलेगा. और आज क्या बना था डिनर में, मैं तब तक आप लोगों को दिखा दूँ. आज बना था फिश. दिस इज कॉल्ड भोला फिश, जिसका आप अनियन और टोमेटो के साथ ग्रेवी बना है. और ये है लौकी की सब्जी, एकदम प्लेन एंड सिंपल. इसके साथ आज रोटी तो बना था. आज हमारे डिनर करते करते बहुत लेट हो जाएगा. आजकल मैं बहुत लेट अगर रोटी खा रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा एसिडिटी हो रहा है, इसलिए मैं आज रोटी नहीं खाऊंगी. मैंने यहाँ पे बना लिया है राइस. तो मेरा किचन का काम इज डन. अभी बस वेट करना है दीपांजन के आने का. और फ्लरी और कियारा भी आज बहुत टायर्ड हो गई है. फ्लरी फिर भी दोपहर को सोई थी. मैंने उसको मास्टर बेडरूम में एकदम रूम डार्क करके फुल स्पीड में फ़ैन ऑन करके सुला दिया था. बैंगलोर में काफ़ी गर्मी है स्पेशली इन द आफ्टरनून. बट कियारा पूरी दोपहर सोई नहीं. वो पूरी दोपहर मेरे साथ वही बिस्तर पे बैठी थी. कभी दीपांजन की टी-शर्ट्स काट रही थी, कभी खुद ही वहीं पे सो रही थी. कियारा का जो सॉलिड नैप टाइम होता है, वो एक दो घंटे का नैप वो ले लेती है अपना, वो आज उसने नहीं लिया है, इसलिए अभी बहुत टायर्ड होके सो रही है. ये है मेरे टायर्ड बच्चे. अब मैं बस वेट करूँगी दीपांजन के घर आने का. और दीपांजन घर आने के बाद सबसे पहले अपना वार्डरोब ही खोलता है क्योंकि घर पे पहनने के लिए कपड़े निकालता है. तो मैं फिर उसके बाद उसका रिएक्शन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, इसलिए मैं ब्लॉग को पूरा कंटिन्यू कर रही हूँ. अब कहीं मत जाना, स्टे ट्यून्ड. इट्स 11:10 एंड दीपांजन इज़ बैक. फ्लरी इज़ विद दीपांजन. कियारा का हो गया है डैडी का प्यार. अभी मैं कर रही हूँ खाना गर्म, तो दीपांजन विल टेल यू गाइस. मेरा कबाड़ खाना लग रहा है अभी सच सवर के पूरा एकदम सही हो गया है. इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, मुझे लग रहा है कि अभी मुझे इसको मेंटेन करना पड़ेगा. एंड आई थिंक होपफुली आई विल बी एबल टू मेंटेन इट. और बोल रहे हैं अभी मैं सबको दिखा के बोलूंगा. अभी सबको दिखा के बोलूंगा ये मैंने किया है. देखो मेरा वार्डरोब कितना अच्छे से सजा हुआ है ना. यहाँ पे कुछ बॉक्सेस अगर तुम्हें इधर उधर करना है ना अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, मैंने अपने हिसाब से किया है. तुमको अगर लगता है कोई बॉक्स ऊपर नीचे करना है वो तुम कर लेना, बट चीज़ें वहीं पे रहेगी, वो नहीं गिरेगा. यही एक वो ऑर्गेनाइजर बॉक्स यूज़ करने का यही एक एडवांटेज है कि आप बॉक्स को पकड़ो और इधर उधर कर लो कन्वीनियंस वाइज, बट चीज़ें वैसे की वैसे ही रहते हैं अंदर. देख रहे हैं पीछे आप, वो दोनों मुझे नहीं जानते, बट दे बोथ आर वेरी टायर्ड टुडे. तो यहाँ पे खाना गरम करके खाना खा के हम सो जाएंगे. मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, जैसे मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ. और कल सुबह मैं आप लोगों को अच्छे से उसका पूरा वार्डरोब दिखाऊंगी, क्योंकि आज पूरा ऑर्गेनाइज करने के बाद मैं नहीं दिखाई क्योंकि उसके रूम का लाइट थोड़ा सा कम है और वार्डरोब के अंदर बिल्कुल ही लाइट नहीं जाता है.
तो वो मैं कल सुबह आपको अच्छे से दिखाऊंगी। तो अभी सो जाते हैं, गुड नाइट, कल सुबह मिलती हूँ। I guess that I should say, but I am done. Yeah, I am done. Letting go of all my heavy load. I waited for the moment to unfold. मॉर्निंग गाइस, इट्स अ ब्राइट सनी मॉर्निंग एंड रात की एक लंबी नींद के बाद हम सब उठे हैं एकदम फ्रेश फ्रेश। और यहाँ पे दीपांजन एज यूजुअल फ्लरी क्यारा का खाना रेडी कर रहा है और आज मुझे थोड़ा मैगी खाने का मन हो रहा है, तो मैगी खाओगे ब्रेकफास्ट में? लुक एट हिम। तो मैं आज मैगी खा रही हूँ, दीपांजन मैगी खा रहा है। कौन सा? ओ वाओ, ये जो मैं कल बता रही थी कि अभी हम टेंडर कोकोनट ला के रखते हैं, तो ये पानी और ये था उसके बीच अंदर का मलाई, ये फ्रिज में रखना पड़ेगा। कि मैं कल बोल रही थी ना, मुझे बीच में थोड़ा सा गैस एंड एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा था रात को, इसलिए मैं कल उतने लेट रोटी भी नहीं खाई। तो इसलिए हम अभी रेगुलरली टेंडर कोकोनट ला रहे हैं और मैं आफ्टरनून को एक टेंडर कोकोनट का वाटर तो पीती ही हूँ। तो बस यही उम्र हो रहा है उसके साथ, छोटे मोटे ये वो सब कुछ आ रहे हैं, कभी गैस कभी बैक पेन, चलो ये सब लेके ही अभी चलना पड़ेगा। और जो मैंने कल रात को कहा था कि मैंने आपका मैंने आप लोगों को वार्डरोब का फाइनल जो लुक है वो नहीं दिखाई क्योंकि रात को लाइट बहुत कम हो गया था, तो अभी आप लोग देख लीजिए। गर्मा गर्म मैगी इज रेडी और मैं ये ब्लॉग को भी यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप दैट यू लाइक दिस वन, इन केस यू हैव हिट द लाइक बटन, प्लीज़ मुझे बताना आपको कैसा लगा। मैंने अपने तरीके से ऑर्गेनाइज किया, आपके पास और भी अच्छे टिप्स हो सकते हैं, सो प्लीज़ शेयर करना। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है कोई भी प्रोडक्ट के बारे में या और भी कुछ वार्डरोब अरेंजमेंट रिलेटेड कोई भी सवाल है तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। And the organizer boxes I have shown in this video, the zipper bags, I'll put all the links in the description box or in the pinned comment. तो मैं भूल जाती हूँ, मुझे पता है, आई एम रियली सॉरी, इस बार मैं पक्का याद करके डालूंगी। सो अगर आपको कुछ भी खरीदना है सो प्लीज़ चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आई रियली होप कि आपको थोड़ा बहुत तो हेल्प मिला है। अगर आपके घर में भी दीपांजन जैसे हस्बैंड, भाई, पापा, बहन, बेटी कोई भी है जो अपने वार्डरोब को बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं रख पाते हैं, उनके लिए टेक केयर गाइस, स्टे हैप्पी। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टेक केयर, स्टे हैप्पी, बाय बाय। मम्मा बाय। हमें क्यों बाय बाय कर दो, जोनू बाय।